चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर इज प्लेस इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द लूप इज इन साइड द मैग्नेटिक फील्ड, अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट ये वाली बैटरी एंड निग्लेजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन द लूप, द मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आ रहे हैं, द रिजल्टेंट ईएमएफ इन द लूप विल बी कितना होगा। तो सबसे पहली बात इसमें आपको ये ध्यान रखनी है कि इस लूप को जो स्क्वायर लूप है ये मूव नहीं कर रहा, आधे हिस्से पे मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की चेंजेस इस रिलेशन से आ रही हैं, ठीक है। और ये रिलेशन ये बताता है अगर मैं t इक्वल टू जीरो रखूं तो b की वैल्यू आ रही है इनिशियली क्या आ रही है 0.01 आ रही है, लेकिन अगर टाइम 1 सेकेंड आ जाए तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 0.01 माइनस 2 × 1, यानी ये और डिक्रीज हो जाएगी, यानी टाइम इंक्रीज होने पे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है। किस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है, इनवर्ड डायरेक्शन में। देखो डायरेक्शन क्या दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का, इनवर्ड दिया हुआ है ना, तो इस डायरेक्शन में ईएमएफ जो मैग्नेटिक फील्ड जो है लाइन डिक्रीज कर रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। और एरिया इस आधे एरिया में ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंजेस आ रहे हैं, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आएंगे, ठीक है, पूरे एरिया में चेंजेस नहीं आएंगे, ये पॉइंट याद रखना। इसमें बोला हुआ ना हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द लूप इन साइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो ईएमएफ का इक्वेशन क्या होता है फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, -d∅b/dt होता है, और फाइव बी की वैल्यू क्या होती है, b × a होती है। अगर ये वैल्यू यहां रख दे तो ईएमएफ इज इक्वल टू -d dt ऑफ b × a इज इक्वल टू -a बाहर हो जाएगा dB/dt। अब ये एरिया जो है वो पूरा एरिया नहीं लिया जाएगा, जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर, लेकिन पूरा एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस नहीं आ रहे, आधे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आ रहे हैं, तो एरिया जो लिया जाएगा 1/2, आधा एरिया लिया जाएगा 1/2 ऑफ साइड का स्क्वायर, ये लिया जाएगा, ये पॉइंट याद रखना। तो एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 × 1 का स्क्वायर, यानी 1/2 अल्टीमेटली आएगी एरिया, इफेक्टिव एरिया, ठीक है। और dB/dt कैसे निकाला जाएगा, इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, b = 0.01 − 2t है, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आ जाएगा, ये तो टर्म जीरो हो जाएगा, -2 × 1, यानी dB/dt की वैल्यू आ गई -2, ये वैल्यू उठा के रख देना यहां, माइनस ऑफ 1/2 एरिया हो गया और dB/dt -2, 2 से 2 कटा, -1 − 1 आ जाएगा, तो ईएमएफ की वैल्यू आ गई 1 वोल्ट। अब ईएमएफ में पॉजिटिव डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव टर्मिनल किधर होगा, तो देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज कर रही है इस, तो अब फ्लक्स में जो है चेंजेस जो आएंगे वो डिक्रीज होंगे, तो इस रॉड के अंदर, इस स्क्वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको ये बात पसंद नहीं आएगी कि फ्लक्स इनवर्ड डायरेक्शन में कम हो, तो वो और इसी डायरेक्शन में बढ़ाएंगे। तो मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर देखो ध्यान से, तो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है इनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में और फील्ड लाइन बढ़नी चाहिए। तो अगर मैं जो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल बनाऊं, तो अगर फील्ड लाइन अंदर बनानी है तो करंट को राइट साइड में घूमना पड़ेगा, इस तरफ घूमना पड़ेगा राइट साइड, ठीक है, करेक्ट है। तो यानी इसका मतलब है यहां पर हाई पोटेंशियल डेवलप होगा, यहां लो पोटेंशियल, तब उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसमें मैं दूसरे कलर से शो कर दे रहा हूं, यहां पर आप या तो इधर पॉजिटिव टर्मिनल बना दो हाई इधर, या तो ऐसे इस टर्मिनल पे यहां पर हाई बना दो, यहां लो बना दो, दोनों में से कोई भी एक चीज आप कर सकते हो, तो उसका ईएमएफ 1 वोल्ट के बराबर होगा। इस ये जो सेल हम बना रहे हैं उसका ईएमएफ 1 वोल्ट, या तो ये बनाओ ये वाला, या तो ये बनाओ, दो में से एक बनाओ। तो अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर है इस सेल का 10, और इसका भी 10 है जो पॉजिटिव है इसके सामने है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल है तो टग ऑफ वॉर होगा, तो नेट ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेट ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी 10 − 1, यानी 9 वोल्ट आनी चाहिए, टग ऑफ वॉर होगा ना दोनों के बीच में, 10 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच में, अगर उल्टा होता तो जुड़ जाता, लेकिन यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव के सामने है, या नेगेटिव का और नेगेटिव के सामने है तो टग ऑफ वॉर होगा, पॉजिटिव के सामने नेगेटिव होता तो ऐड हो जाता, तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट, डी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग।